हाय फ्रेंड, ऑल टेक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पर्सनलाइजेशंस के बारे में। तो इसके बारे में आपको जानकारी देना है तो उसके पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यह सेटिंग्स ओप्पो रियलमी फ़ोन के लिए ही लागू होगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सेटिंग्स में जाना, और सेटिंग में जाने के बाद आपको ये पर्सनलाइजेशन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं इसमें थीम्स, वॉलपेपर, आइकॉन स्टाइल, ऐप लेआउट, फिंगरप्रिंट स्टाइल, कलर्स, फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज, नोटिफिकेशन ड्रावर, इतनी सेटिंग्स आपको मिल रही है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं थीम्स वॉलपेपर तो आप सेट कर सकते हैं बाहर से भी। आइकॉन स्टाइल पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हम किसी भी टाइप से आइकॉन सेट कर सकते हैं, जैसे देख सकते हैं छोटा बड़ा, ठीक है, नेम को भी मीडियम लो हाई, ओके। और इसमें हम कस्टम सेटिंग्स भी लागू कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के डिज़ाइन आइकॉन्स की यहाँ से सेट हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन ऐप लेआउट में आप कॉलम बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जिसमें एप्लीकेशन कम ज़्यादा सेट हो जाएंगे। फिंगरप्रिंट स्टाइल्स, आप इस आज के समय में टच स्क्रीन डिस्प्ले आ रहे हैं, फिंगरप्रिंट आ रहे हैं, इसके सेटिंग्स आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के फिंगरप्रिंट सेटिंग्स दिखा रहे हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से ये सेट कर सकते हैं। कलर्स, नोटिफिकेशन के आपको जिस प्रकार का कलर चाहिए आप कलर सेट कर सकते हैं इनमें, जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ कलर चेंज हो चुका है। फॉन्ट और डिस्प्ले साइज भी सेट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन ड्रावर, चौकोन गोल, जिस हिसाब से आपको रखना है आप सेट कर सकते हैं, जिसे सेट हो चुका है। आज की वीडियो में बस यही जानकारी देना था। थैंक यू।